जय हिंद एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा है। ऑप्शन है 2.72%, 2.42%, 29.76% या फिर 40%। तो देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा बात करें 2.42% है। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% जनसंख्या झारखंड में निवास करती है। 2021 वन रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का वन क्षेत्रफल है 29.76%। और बात करें हम लोग भारत का 40% खनिज उत्पादन झारखंड राज्य से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है। ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी नन। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म इलाका वाला ज़िला है जमशेदपुर, जहां का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और पाट क्षेत्र का औसत तापमान बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है। घुमाकुड़िया, पोनटका, घोटुल, गीति ओड़ा। तो बात करें मुंडा जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है गीति ओड़ा। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो संथाल जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है और उरांव जनजाति के युवा गृह को घुमाकुड़िया। इस प्रकार मुंडा जनजाति के युवा गृह को गीति ओड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, भूखन सिंह। बात करें चेरो विद्रोह की तो चेरो विद्रोह भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो तिलका विद्रोह तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था, उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था और संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिज विद्रोह कब की घटना है। ऑप्शन है 1855 ईस्वी की, 1832 ईस्वी की, 1895 ईस्वी की या फिर 1783 ईस्वी की। बात करें भूमिज विद्रोह की तो यह घटना घटी थी 1832 ईस्वी में। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो संथाल विद्रोह 1855 की घटना है, मुंडा विद्रोह 1895 की घटना है और तिलका विद्रोह 1783 ईस्वी की घटना है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के पाँच क्षेत्र की ऊँचाई कितनी है। 600 मीटर, 900 से 1100 मीटर, 300 से 450 मीटर या फिर 150 से 300 मीटर। तो झारखंड के पाट क्षेत्र की ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो रांची एवं हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई बात करें तो 600 मीटर है, बाह पठार की औसत ऊंचाई है 300 से 450 मीटर और राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई है 150 से 300 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथन बांध किस नदी में स्थित है। ऑप्शन है कोनार नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी या फिर ब्राकर नदी। बात करें मैथन बांध की तो यह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है जो कि ब्राकर नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के राजमहल क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है। 600 मीटर, 900 से 1100 मीटर, 300 से 450 मीटर या फिर 150 से 300 मीटर। राजमहल क्षेत्र की ऊंचाई बात करें तो इसकी ऊंचाई है 150 से 300 मीटर के बीच में। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई बात करें पाट क्षेत्र की है, वहीं पे रांची और हजारीबाग पठार की ऊंचाई 600 मीटर है और बाह पठार की ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम। तो गौतम घाघ जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। जत्रा भगत, गंगा नारायण, भागीरथ मांझी, भोलानाथ सिंह। बात करें टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की तो इससे पहले हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि टाना भगत आंदोलन कब की घटना है। तो बात करें टाना भगत आंदोलन की घटना 1914 ईस्वी में घटी थी और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जत्रा भगत। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे, वहीं पे खरवार आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी और तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता भोलानाथ सिंह थे।